गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ एक पोएम, और उस पोएम का नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जिसके पॉइंट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उस पोएम की स्टडी करेंगे, उसकी टेक्स्ट स्टडी करेंगे, उसकी थीम जानेंगे कि उस पोएम में क्या है, ठीक एलिजी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो पोएम का हमारा टाइटल है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये टाइटल है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, और इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पॉइंट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये जो पॉइंट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये एक नॉवलिस्ट भी हैं, और इनका एक नॉवल था, और उस नॉवल का नाम था द विकार, द विकार ऑफ बैकफील्ड। ये नॉवल का नाम था द विकार ऑफ बैकफील्ड। इस नॉवल में से इस पोइम को कवि ने क्या किया है, लिया है। तो आपको एक क्वेश्चन बनता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी क्वेश्चन आपके बनेगा कि जो पोइम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, वो कहां से ली गई है। तो वो कहां से ली गई है, वो ली गई है ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो नॉवल था, कौन सा नॉवल, द विकार ऑफ बैकफील्ड, इस नॉवल से इस पोइम को लिया गया है। अब जानते हैं इस पोइम में क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिजी, एलिजी क्या होती है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है एलिजी, क्या होती है एलिजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिजी, एलिजी क्या होती है, एक सैड सॉन्ग होता है। क्या होता है, सैड सॉन्ग होता है, ठीक, जो दुख को अभिव्यक्त करता है। अर्थात एलिजी एक ऐसी दुखद कविता होती है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाए। अर्थात जो एलिजी होती है, उसे कोई कवि अपने प्रिय की मृत्यु पर, या उसका कोई इम्पोर्टेंट थिंक है, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज है, उसकी मृत्यु पर लिखा जाने वाला शोक गीत क्या कहलाता है, एलिजी कहलाता है। तो वो होती है हमारी क्या, एलिजी। तो ये एलिजी है जो किसकी मृत्यु पर लिखी गई है, एक मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है, ठीक है, जिसका टाइटल है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो इसको पोइम में, इस पोइम में जो पोइम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग के जो पॉइंट है, कौन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ इसमें व्यंग्यात्मक शैली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने सटायर का इसमें यूज किया है, सटायरिकल वे। सटायर क्या होता है, सटायर की टर्म होती है इंग्लिश की, जिसे बोलते हैं व्यंग। क्या बोलते हैं, व्यंग। तीन प्रकार के व्यंग होते हैं इंग्लिश में, एक होती है सटायर, एक होती है आयरनी, और एक होती है सरकाज्म। सटायर में क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग करते हैं। सटायर का जो मीन्स है वो क्या है, क्रिटिसाइजिंग करते हैं ए पर्सन और एन आइडिया, कि एक जो पर्सन है, ठीक, उसको क्रिटिसाइजिंग करते हैं, उसके आइडिया की आलोचना करते हैं ह्यूमरस तरीके से, हास्यास्पद तरीके से, मजाकिया रूप में। वो होती है क्या होती है, सटायर होती है। तो वो यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। तो क्या स्टोरी है कविता में, तो कविता में ये स्टोरी है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जिसे पॉइंट या पॉइंट के जो आसपास के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जिस शहर में वो रहता है, इंसलीगटन नामक शहर में पॉइंट रहता था, तो वहां की स्टोरी है कि वहां पर एक पर्सन हुआ करता था, एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि ये व्यक्ति तो कैसा बहुत तो अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, नैतिक मूल्यों पर चलने वाला व्यक्ति है, मॉरल ड्यूटीज को क्या करता है, निभाता है, ऐसा व्यक्ति है, ठीक। तो अच्छा व्यक्ति था, और उसकी दुश्मनी किससे हो जाती है, तो कुत्ते से हो जाती है। अर्थात एक डॉग और वह व्यक्ति पहले क्या थे, फ्रेंड्स थे, पहले अच्छे फ्रेंड्स थे, बाद में वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो कुत्ता उस व्यक्ति से
बदला लेने के लिए क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, उसे काट लेता है। क्या करता है? काट लेता है। जब कुत्ता उसे काट लेता है तो हर कोई व्यक्ति ये समझता है, ये सोचता है कि अरे उस भले मनुष्य को, उस इतने अच्छे व्यक्ति को उस दुष्ट कुत्ते ने क्या कर लिया है, काट लिया है। अब वो व्यक्ति बचने वाला नहीं है, क्योंकि उस पागल कुत्ते ने उसे काटा है, इसलिए वो तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन इस कविता में कवि क्या करता है, ये बताता है कि वे पागल कुत्ता उस व्यक्ति को क्या करता है, काट लेता है, और अंत में क्या होता है, वो व्यक्ति जी जाता है, वो व्यक्ति के कुछ नहीं होता और वो कुत्ता क्या हो जाता है, मर जाता है। अर्थात वो व्यक्ति अधिक जहरीला निकलता किससे, उस कुत्ते से। कुत्ते ने काटा, कुत्ता मर गया, लेकिन व्यक्ति क्या हो गया, जीवित रहा, उसके कुछ नहीं हुआ। अर्थात पॉइंट ये बताना चाहता है कि जैसा उस व्यक्ति को लोगों ने समझा था कि वह कैसा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक, तो वास्तव में वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो जहरीला व्यक्ति था। अर्थात उसने अपना ऊपरी जो आवरण था, उसका जो भारी आवरण था, उसे दुनिया के सामने अच्छा क्या कर रखा था, अच्छे रूप में प्रकट कर रखा था, लेकिन वास्तव में अंदर से वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो उस चीज को इस कविता में क्या किया गया, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट स्टैंजा है अपनी पोएम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैन डॉग का। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड वंडरस सॉर्ट इट कैन नॉट फॉल यू लॉन्ग। तो इसकी सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। गुड पीपल, गुड पीपल का मतलब होता है नॉवल पर्सन, अच्छे व्यक्ति। ऑफ एवरी सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, सभी अच्छे प्रकार के। गिव ईयर, गिव ईयर का मतलब होता है लिसन केयरफुली, हियर विथ अटेंशन, अनटू माई सॉन्ग, माई सॉन्ग एंड मेरा गीत, सॉन्ग, पोइम, जो भी कुछ है। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस, वंडरस का मतलब है सरप्राइजिंग, लैक ऑफ सरप्राइजिंग, शॉर्ट मतलब है कमी, ठीक। इट कैन नॉट होल्ड, होल्ड का मतलब क्या है, मच ऑफ टाइम, पकड़ने के बांध के रखना भी तो समय था। तो ये है अपना फर्स्ट स्टैंजा। तो इसकी स्टडी करते हैं हम। इसमें कवि लोगों को क्या करता है, एड्रेस करता है, संबोधित करता है सभी अच्छे लोगों को जो विभिन्न विभिन्न जगह से विभिन्न प्रकार के जीवन जी करके वहाँ पर आए हुए हैं। उन लोगों से क्या करता है, वो संबोधन करता है, उनसे निवेदन करता है कि भाई मेरे गीत को तुम्हें बड़े ध्यान से क्या करना है, सुनना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा गीत कैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें अद्भुतपन की क्या है, कुछ कमी है, तो मैं आपका समय क्या नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पॉइंट कहता है, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड वंडरस सॉर्ट इट कैन नॉट फॉल यू लॉन्ग। तो गुड पीपल ऑल, कि सभी अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, सब प्रत्येक प्रकार के सभी अच्छे लोगों, सभी अच्छे लोगों और सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, कि मेरे इस गीत को, गिव ईयर टू, यानी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे इस गीत को, मेरी इस कविता को, क्या करो तुम, ध्यान से सुनो। एंड और इफ यू फाइंड, और यदि तुम पाते हो, कराए कि मेरे इस गीत को जब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक, और ध्यान से सुनने के बाद यदि तुम पाओगे इट वंडरस सॉर्ट, क्या पाओगे, वंडरस सॉर्ट यानी इसमें अद्भुतपन की कुछ क्या पाओगे, कमी पाओगे, तो इट कैन नॉट हॉल्ड यू लॉन्ग। तो मेरा ये किसके लिए है, सॉन्ग के लिए, उसकी पॉइंट के लिए, कि मेरा ये जो गीत है, मेरी ये जो कविता है, कैन नॉट हॉल्ड यू लॉन्ग, तुम्हें अधिक समय तक क्या नहीं कर सकती, बांधे नहीं रख सकती। इसलिए वो निवेदन करता है कि मेरे गीत को तुम थोड़े समय के लिए क्या करो, सुनो, लेकिन कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। अब इसकी हम क्या देखते हैं, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द पोएट एड्रेस, द पोएट एड्रेस ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्राउड ऑफ पीपल विच केम फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ
life, box of life, he calls them novel person and he requests them to listen his song very carefully, and if they find its song uninteresting and ineffective, so they will not stay for a short time, and they will not waste much of time. तो ये पना क्या था, फर्स्ट स्टेंजा था। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है, इन इंस्टिट्यूशन देयर वाज ए मैन ऑफ हूम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल ए बॉडी देयर ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। वर्ल्ड मीनिंग इंस्टिट्यूशन, एक शहर का नाम है, ठीक है। देयर वाज ए मैन, मैन का मतलब मनुष्य, ऑफ हूम का मतलब जिसके बारे में, अबाउट वर्ल्ड का मतलब संसार, संसार का मतलब ये इसी गठन के कौन, पीपल, ठीक है, से यानी कहना, दैट इज स्टिल बॉडली है, बॉडली का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ। ही रैन व्हेन एवर ही वेंट टू प्रेयर, प्रे का मतलब क्या है, साधना करना। तो अगले स्टेंजा में कवि कहता है, ठीक है, कि इन इंस्लिगटन देयर वाज ए मैन, कि इंस्लिगटन नामक शहर में, इंस्लिगटा नामक कस्बे में एक व्यक्ति रहता है, ऑफ हूम यानी जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में द वर्ल्ड यानी संसार के जो लोग हैं, माइट यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जो रहता है इंस्लिगटा नामक शहर में रहता है, उसके बारे में कहते हैं कि दैट स्टिल ए बॉडी है, कि वह तो आध्यात्मिक जीवन निर्वहन करने वाला क्या है, व्यक्ति है, आध्यात्मिकता का धर्म परायण क्या है, वो व्यक्ति है। व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, कब, जब कभी भी, कहाँ जाता है वो, चर्च में जाता है, क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता है, तो अपने कर्तव्यों का, धर्म परायण कर्तव्यों का क्या करता है, वो निर्वहन करता है, अपने नैतिक सिद्धांतों का क्या करता है, पालन करता है। ऐसा लोग बाग किसके बारे में कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो कहां पे रहता है, इंस्लिगटन नामक शहर में रहता है। तो ये स्टेंजा है, इसकी हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो द पॉइंट सेज दैट कि ए मैन लिव इन ए इंस्लिगटन टाउन दैट पीपल ऑफ दिस टाउन कंसीडर्ड हिम ए रिलीजियस मैन एंड holy person, they think of that he was very honest and symbol of holy man and peaceful and contented life at present time. Sanjay Hamara, a kind and gentle heart he had to comfort friends and foes, the next every day he clad where he puts on his clothes. इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, काइंड यानी होता है दयालु, जेंटल यानी भी कोमल उदार, हर्ट यानी हृदय, ठीक, कंफर्ट यानी होता है सांत्वना देना, फ्रेंड्स यानी मित्र, फोर्स यानी दुश्मन एनिमी, नेग यानी नग्न, नग्न से मतलब यहाँ पर प्योर पुअर पीपल से है, हंगरी पीपल से है, क्लैड मतलब वस्त्र, क्लॉथ कपड़े पहनाना, वेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ कम मीन्स भी वही कपड़े। तो देखो ये थर्ड स्टेंजा में पॉइंट उसी व्यक्ति की बात करता है, कौन से व्यक्ति की, जो इंस्लिगटन शहर में रहता था, जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि वह धार्मिक सिद्धांतों पर विचरण करने वाला व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, नैतिक सिद्धांतों को का पालन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो आगे कवि कहता है कि वह ऐसा पवित्र व्यक्ति, एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही है, कि वह इंस्लिगटन शहर का वह व्यक्ति अपने पास एक दयावान, ठीक है, एक दयालु और एक कोमल का रखता है, वो हृदय रखता है, उसके मन में, उसके हृदय में क्या है, दया है, कोमलता है, विनम्रता है।
टू कंफर्ट सेंस एंड पोज, और इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति से क्या करता है, प्रेम करता है, सभी को सांत्वना प्रदान करता है, फ्रेंड एंड फोर्स, चाहे उसके वो मित्र हो चाहे कौन हो, दुश्मन हो, किसी से क्या नहीं करता, कोई वो भेदभाव नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, चाहे वो उसके मित्र हो चाहे वो उसके क्या हो, दुश्मन हो। और उसकी ऐसी धारणा है, वो ऐसा सोचता है कि दे नेक्स्ट एवरी डे ही क्लैड, कि वह प्रत्येक दिन उन असहाय, ठीक है, असहाय गरीब लोगों को क्या करे, वो कपड़े पहनाए, उन्हें भोजन दे, खिलाने के लिए क्या दे, उनको भोजन दे, पहनने के लिए क्या दे, कपड़े दे, वेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, क्या करने से पहले अपने स्वयं के कपड़े पहनने से पहले, ऐसा वो कहता है कि मैं अपने शरीर पर ये कपड़े डालूं, उनसे पहले मैं चाहता हूं कि गरीब के पास क्या हो, कपड़े हो, गरीब के पास क्या हो, भोजन हो। इस प्रकार का उदार हृदय वाला वह व्यक्ति कहाँ रहता है, इसलिए गदन नामक कहाँ पे रहता है, शहर में रहता है। दोबारा देख लो, कवि उस व्यक्ति की बात करता है जो कहाँ पे रहता है, इसलिए गदन शहर में रहता है, ठीक है, जिसका एक उदार क्या है, हृदय है। तो कवि कहता है एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही है, कि वह इंसली गठन का वह आध्यात्मिक व्यक्ति, कर्तव्य परायण व्यक्ति, जिसका एक क्या दयालु और एक कॉमन क्या है, हृदय है, और उसी दयालु और विनम्र हृदय के कारण टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोर, कि वह अपने मित्रों को और अपने दुश्मनों को बराबर रूप से क्या करता है, सांत्वना प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स है तो उनसे अधिक वो करेगा, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, मित्र के साथ भी वही व्यवहार करेगा और दुश्मन के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करेगा, अर्थात दोनों के साथ वो एक जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। और उसकी धारणा है, उसका ये विचार है, द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लै, कि प्रत्येक दिन वह असहाय गरीब लोगों को, उन नग्न लोगों को जिनके तन पर क्या नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको क्या पहनाए, वो वस्त्र पहनाए, उन्हें खाने के लिए क्या दे, भोजन दे, वैनी फूड ऑन हिज क्लॉथ, क्या करने से पहले अपने स्वयं के कपड़े पहनने से पहले, ऐसी उसकी क्या है, धारणा है। तो इस प्रकार से उस अच्छे व्यक्ति की क्वालिटीज का क्या किया है, यहाँ पर पॉइंट ने वर्णन किया है, तो उसकी हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पॉइंट कहता है, द पॉइंट सेज दैट कि द पायस मैन हु लिव इन इंसलीगटन टाउन ही हैड मैनी क्वालिटीज, मैनी क्वालिटीज, ही हैज ए काइंड एंड जेंटल हार्ट, ही लव्ड एवरी वन, ही सो नो डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड एनिमीज, फ्रेंड एंड एनिमीज, और ही स्पोक विथ देम इन सॉफ्ट वर्ड, ही प्रीच्ड दैट नोबल पर्सन सोल फीड द हंग्री एंड हंग्री पीपल एंड गिव क्लॉथ टू द पुअर पर्सन या नेक्स्ट पर्सन सो दैट ही बिलीव्ड हिमसेल्फ